छरिया की, जहां बलियापुर से गुरुग्राम गई आदिवासी युवती गायब हो गई है। नौकरी करने गई थी ये गुरुग्राम। कौशल विकास का प्रशिक्षण लेने के बाद एजेंसी ने भेजा था गुरुग्राम। SBS इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में करती थी काम। युवती के पिता ने बलियापुर थाने में मामला दर्ज कराया है। देखिए ये बड़ी खबर, कौशल विकास में प्रशिक्षण लिया गया, कौशल विकास प्रशिक्षण केंद्र में, और उसके बाद SBS इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में उसे प्लेसमेंट उसको मिला, उसे एजेंसी ने भेजा और अब वो गुरुग्राम से लापता हो गई है। युवती के पिता ने मामला दर्ज कराया है इस सिलसिले में। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी विकास हैं इस वक्त फोन लाइन पर। विकास, जब प्लेसमेंट यहां से हुई थी, जब एजेंसी ने यहां से प्लेसमेंट किया, तो क्या एजेंसी कुछ बता पा रही है या फिर कंपनी की तरफ से कोई बात कही जा रही है कि युवती कैसे लापता हो गई और फिलहाल कहां है? जिस तरह से एजेंसी यहां से उसको नौकरी के लिए भेजा गया था, हालांकि बीच में वो घर भी आई थी आरती, और जब घर आई थी तो मार्च 2020 के बाद से वापस गई, और आखिरी बार दूसरे के फोन से वो फोन की थी या बात बोल करके फोन की थी कि उसका फोन जो है खराब हो चुका है और उसके आज एक साल होने को है, एक भी बार अपने परिजनों से बातचीत नहीं हो पाया, काफी खोजबीन की, कई बार कंपनी के चक्कर भी काटे, ना कंपनी कुछ बता पा रही है, ना युवती का किसी तरह से बात हो पाया। जो पुराने नंबरों से जिस युवती फोन करती थी उस नंबर पे भी ट्राई किया गया, लेकिन बात नहीं हो पा रही है। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि परिजनों को आशंका है कि कहीं कोई अनहोनी ना हो, इसको लेकर के बलियापुर थाना क्षेत्र, बलियापुर थाना में उन्होंने आवेदन दिया है और उन्होंने खोजने की मांग की है प्रशासन से। हालांकि कई नेता भी इसको लेकर के आगे आए हैं और सरकार से इसे गंभीरता से संज्ञान में लेने की बात कर रही है। जी आरती, नजर बनाए रखिए, अपडेट्स लेंगे आपसे। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।